हेलो, गुड आफ्टरनून. नदीम जी, रमेश कुमार, मलय तिवारी, विकास, नितिन शर्मा, अभी चौधरी, सभी लोगों को गुड आफ्टरनून. मैं पूजा महिंद्रा आप लोगों का महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ. और ये हमारी UPSI की 21वीं नंबर की क्लास है, जहाँ पर हम विश्व का और भारत का भूगोल MCQ के जरिए टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं. अगर अभी तक आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो आप महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाके सारे वीडियोज़ देख सकते हैं. और उसके बाद जो भी डाउट रहता है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. साथ ही साथ @GSMahindraLive हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पर जुड़कर भी जो है वो पोस्ट कर सकते हैं अपने डाउट्स. आइए शुरुआत करते हैं. कल मैंने खनिज मिनरल्स के बारे में कुछ बातें की थी आप लोगों से, उसी को आगे बढ़ाते हैं. और आज भी थोड़े से क्वेश्चन जो है वो मिसलेनियस टाइप के हैं. और आज के जो क्वेश्चन है, वाकई में अगर जिसने भी आज के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए सारे, मतलब उसकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है. ठीक है ना, एकदम बहुत ही थोड़ा सा हाई क्लास के क्वेश्चंस को आज मैंने शामिल किया है, कि छोटे छोटे क्वेश्चंस शामिल नहीं किए गए आज. ठीक है, आइए सेशन की शुरुआत करते हैं. उसके पहले हम अपने अपकमिंग बैचेस के बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, कि 2 जून से, 9 जून से, 16 जून, 23 जून और 30 जून से हमारे कुछ अपकमिंग क्लासेस शुरू हो रहे हैं. जूम पर क्लासेस होंगी, ऑनलाइन क्लासेस होंगी. अगर आप इनमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये हमारा टोल फ्री नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं. साथ ही साथ mahindras.org हमारी वेबसाइट है, आप यहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं. बस याद ये रखना है कि इनमें से अगर आप कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट परचेस करते हैं, किसी भी क्लास में एडमिशन लेते हैं, चाहे UPSI के लिए हो, SSC के लिए हो या फिर बैंकिंग के लिए हो, आपको E13830 ये मेरा प्रोमो कोड है, इसको यूज़ करना है, जिससे आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा. ठीक है, आइए सेशन की शुरुआत करते हैं कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ. कल का प्रैक्टिस क्वेश्चन था, विच इज़ द इंडियन स्टेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ माइंस एज पर द 2021 2020-21 के अनुसार सबसे अधिक खाने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड या फिर मध्य प्रदेश. हालांकि अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा माइंस हैं जो वो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में ही देखने को मिलती हैं, पूरा माइनिंग एरियाज जो है आपका. अगर ऑप्शन को यहाँ पर हम देखें तो उसके हिसाब से सही आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक यहाँ पर, आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड और मध्य प्रदेश में से सही आंसर क्या हो जाएगा, कि आपका आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा माइंस है. ये सर्वे कौन करता है, कौन बताता है कि सबसे ज़्यादा माइंस है? तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, जिसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? हैदराबाद में है. मतलब नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसका हेड ऑफिस कहाँ है? हैदराबाद में है. इसके अलावा नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड और सभी राज्यों के जो माइनिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं वो सर्वे करके बताते हैं कि किस राज्य में मिनरल्स ज़्यादा हैं. तो उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये 5 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं. ठीक है, विकास कुमार जी मैं ठीक हूँ, पूजा जी गुड आफ्टरनून, प्रेरणा वेरी वेरी गुड आफ्टरनून. एक बार लिंक को शेयर कर देंगे. और आइए हम उन लोगों के नाम देख लेते हैं जिन लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था. तो देखिएगा, अकबर अंसारी जी बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे, झारखंड, CM हेमंत सोरेन गवर्नर है, द्रौपदी मुर्मू DBC पावर प्रोजेक्ट में काम करती हैं. तो देखिएगा, एक्चुअली ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हम जाएंगे तो आपको झारखंड भी दिख रहा है, आंध्र प्रदेश भी दिख रहा है, उड़ीसा भी दिख रहा है. तो उड़ीसा जो है वो फर्स्ट नंबर पे है, उड़ीसा जो है वो फर्स्ट नंबर पे, उसके बाद झारखंड है और झारखंड के बाद जो है वो आपका आंध्र प्रदेश है. ठीक है ना, तो आपको ये याद रखना है. तो जैसे कि नितिन शर्मा जी ने कहा है कि 2011 के अनुसार गुजरात ने टॉप किया था, उसके बाद आंध्र प्रदेश में था. तो 2021 का डेटा अगर हम देखें तो सबसे पहले उड़ीसा, फिर आपको झारखंड और फिर आंध्र प्रदेश, इस सीक्वेंस में याद रखना है. ये नया डेटा है, ठीक है ना. तो झारखंड बिल्कुल सही आंसर है आपका. यहाँ पर झारखंड में सबसे अधिक जो है वो माइनिंग एरियाज है, बोकारो है, ग्रीड है, धनबाद है, कोडरमा. कोडरमा भी जो है वो झारखंड में अभ्रक मतलब माइका के लिए जाना जाता है. रवि कुमार जी बिल्कुल सही, निर्मल, सौरभजीत घोष जी बिल्कुल, ये लोग वो हैं जिन लोगों ने सही आंसर दिया था. विकास कुमार जी आपने आंसर किया था. सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट. बिल्कुल उदय जी, मैंने वापस से अपना वीडियो जब रन किया तो मैंने देखा कि मैंने उड़ीसा के बाजू में कोडरमा लिख दिया था. बेसिकली झारखंड में कोडरमा है और कोडरमा के पास ही तो आपका संवेद शिखर जी भी पड़ता है ना. तो माइका के लिए जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा माइका या वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा माइका कहाँ पर मिलता है? भारत में मिलता है, वो भी कहाँ पर? कोडरमा में, झारखंड में. चलिए, MCQ स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, और उसके बाद हम MCQ देखेंगे. और आज के जो MCQ हैं वो वाकई में बहुत शानदार है. आप इन लोगों का इन प्रश्नों का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा. वीडियो को अंत तक देखना है क्योंकि लास्ट में एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना पड़ेगा. तो चाय, तो आप लोगों ने देखा होगा ना, मोनोपोली थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की चीन का चाय के साथ व्यापार, सुना है ना? तो चीन का चाय के साथ व्यापार, तो चीन जो है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है चाय का और सेकेंड नंबर पर भारत आता है. तो चाय का सेकेंड नंबर पर बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? इंडिया है.
अगर हम शुगर केन की बात करें, गन्ने की बात करें, तो गन्ना जो है वो घास की कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? भारत है। और फर्स्ट नंबर पे गन्ना कहाँ पर होता है? ब्राज़ील में होता है, ठीक है। अगर हम वीट की बात करें, गेहूं की बात करें, तो गेहूं का भी सेकेंड नंबर पे सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? भारत है। जबकि फर्स्ट नंबर पे चाइना आता है। हालांकि सबसे ज़्यादा अगर हम देखें कि जो कृषि योग्य भूमि है वो यूएसए के पास है, सबसे ज़्यादा ज़मीन किसके पास है? यूएसए के पास है। अगर हम अनियन की बात करें प्याज के बारे में, तो प्याज में भी दूसरे नंबर पर भारत है और पहले नंबर पर चीन है। आलू में भी पहले नंबर पे चीन है, दूसरे नंबर पे भारत है। लहसुन में भी दूसरे नंबर पे कौन है? भारत है, पहले नंबर पे चीन है। और चावल, चावल में भी सेकंड नंबर पे भारत है और पहले नंबर पे चीन है। तो ऑलमोस्ट सभी जगह पहले नंबर पे चीन, दूसरे नंबर पे भारत दिख रहे हैं। सबसे ज़्यादा कृषि योग्य भूमि किसके पास है? यूएसए के पास है, जो पेरी घास के मैदान है और जो पूरा लैंड है, मक्का का बेल्ट ले लो या फिर गेहूँ का बेल्ट ले लो, वो संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है। सेकेंड नंबर पर भारत है। अगर हम फर्टिलाइजर्स की बात करें, तो फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन के लिए भारत जो है वो थर्ड नंबर पे आता है। जबकि कंज्यूमर की बात करें, उपभोग करने की बात करें, तो भारत जो है वो सेकेंड नंबर पे है। और अगर हम बात करते हैं मोनाजाइट रेत के बारे में, मोनाजाइट रेत से आपको थोरियम मिलता है और थोरियम का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भारत है, जो कि केरला में मिलेगा। ये कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना है। आइए आज का पहला प्रश्न, चलिएगा। बिल्कुल, चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है, ये बात सही है। शुगर बाउल जो है वो क्यूबा है। पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट कनेक्टेड विद द HVJ पाइपलाइन। HVJ जो पाइपलाइन है, बेसिकली भारत की पहली इंटर स्टेट जो है वो गैस पाइपलाइन परियोजना थी, ठीक है। आपको बताना है कि HVJ जो पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, ये किस राज्य से संबंधित नहीं है? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? जिन लोगों को इस HVJ का फुल फॉर्म पता होगा ना, वही लोग इस प्रश्न का आंसर कर पाएंगे। चलो आंसर करो, चलिए आंसर करेंगे इस प्रश्न का। गुड आफ्टरनून, चलो इस प्रश्न का आंसर करो। गुजरात कह रहे हैं कुछ लोग, छत्तीसगढ़, विकास जी कह रहे हैं बी, गुजरात। पहले तो आप HVJ का फुल फॉर्म पता है? चलो HVJ को फुल फॉर्म देख लेते हैं। ये रहा HVJ गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, ठीक है ना। हजीरा जो कि गुजरात में स्थित है, इसके बाद विजयपुर जो कि मध्य प्रदेश में आता है, और ये जगदलपुर जो कि उत्तर प्रदेश में आता है। इस पूरे प्रोजेक्ट को आप HVJ प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं, जो भारत का पहला इंटर स्टेट गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है। हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर, मतलब गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। मतलब इसका आंसर क्या हो गया, हमारे प्रश्न का आंसर क्या हो गया? यहाँ पे देखिए, महाराष्ट्र जो है वो HVJ का हिस्सा नहीं है। बात समझ में आई? तुक्का मार दिया है आप लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने देख देख के तुक्का मारे हैं, ठीक है। HVJ का पार्ट कौन नहीं है? महाराष्ट्र नहीं है। आइए थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। देखिएगा, अगर HVJ प्रोजेक्ट की बात करें, हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर जो प्रोजेक्ट है, इंडिया का पहला क्रॉस स्टेट गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है। 1986 में इसकी शुरुआत हुई थी। गेल जो कंपनी है ना, उसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन के लिए यहाँ पर इसको उत्तर प्रदेश में गैस सप्लाई को भेजा जाता है, ठीक है ना। तो इसको याद रखना है, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश शामिल है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नमस्ते विनीत जी, तुक्का नहीं मारेंगे अगले प्रश्न में, चलो अच्छे से देखो। ये आसान प्रश्न है मुझे लगता है, और ये आया हुआ प्रश्न है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट लीड्स इन हैंडलूम एंड द हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन राज्य भारत में हथकरघा और हस्तशिल्प समूहों में अग्रणीय है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल? अच्छा, पश्चिम बंगाल जो बेसिकली जूट प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, जूट प्रोडक्शन में पहले नंबर पश्चिम बंगाल आता है, ठीक है ना। अब आपको आंसर करना है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल। आपको पता है ना, जब भारत में स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत हुई थी 1906 में, तब ही से प्रमोट करने का कार्यक्रम शुरू हो गया था कि स्वदेशी को अपनाएंगे, विदेशियों का बहिष्कार करेंगे। हथकरघा उद्योग, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट को हमने प्रमोट करना शुरू किया था। ये सभी गांधी जी की विचारधाराओं से संबंधित। तो बिल्कुल सही आंसर उत्तर प्रदेश कह रहे हैं, वेरी गुड विनीत जी। मोनिका यूपी कह रहे हैं, विकास जी डी कह रहे हैं, क्योंकि मैंने लिख दिया कि झूठ। नहीं, पश्चिम बंगाल नहीं, उत्तर प्रदेश, बनारस। बनारस उत्तर प्रदेश बिल्कुल हैंडलूम इंडस्ट्री में फर्स्ट नंबर पे आता है। तो बनारस उत्तर प्रदेश हथकरघा उद्योग में फर्स्ट नंबर पे है। अगला है, ये बहुत आसान प्रश्न है, अगर आपने कल की क्लास देखी होगी तो ये प्रश्न कर लेंगे। रानीगंज कोल बेड मीथेन का रकबा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मतलब कहाँ पर इसका प्रोडक्शन होता है? झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार या उड़ीसा?
आसान प्रश्न है, चलो इसका आंसर करो और एक बार लिंक को शेयर भी कर देंगे अपने सोशल मीडिया नेटवर्क में, ठीक है, जिससे और भी लोग जिनको नहीं पता है क्लासेस के बारे में कि यहाँ पे UPSI की क्लास चल रही है, साथ साथ आपका जो UPSSSC PET का एग्जाम है उसमें भी आप साइंस का पोर्शन यहाँ से पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी का पोर्शन यहाँ से पढ़ सकते हैं, साथ ही साथ अगर आप ग्रुप डी CBT2 एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो भी ये सारे वीडियोज आपके लिए हेल्पफुल हो जाएंगे, ठीक है ना। और जो पहली बार आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। जिनको नहीं पता है, डेली 1:30 बजे मेरी क्लास यहाँ पर यूट्यूब पर होती है। रानीगंज, रानीगंज कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। वेरी गुड, ओके रवि कुमार जी, अभी क्लियर हो गया ना। यूपी बनारस हैंडलूम में फर्स्ट है बेटा, कल बताया था आपको, याद है? पश्चिम बंगाल का एरिया है रानीगंज, पश्चिम बंगाल का एरिया है ना रानीगंज, झारखंड में कहाँ से आ गया रानीगंज? किशन गुप्ता जी, नितिन जी, कल का मैप याद करो, पश्चिम बंगाल में आता है रानीगंज, ठीक है, पश्चिम बंगाल आंसर है। अगला है, अगला है थुमपल्ले, द थुमपल्ले माइंड विच इज कंसिडर्ड टू हैव वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ द 1.50 लाख टन्स ऑफ द यूरेनियम इज लोकेटेड इन विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। थुम्मनपल्ले खदान जिसमें दुनिया के सबसे बड़े मतलब लगभग 1.5 लाख टन यूरेनियम भंडार माना जा रहा है, और ऐसा माना जा रहा है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम की खान हो सकती है, अभी माना जा रहा है, अभी इसमें शोध काम चल रहा है, रिसर्च चल रहा है। ये जो है थुम्मनपल्ले माइन, ये बेसिकली कहाँ पर है? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर केरला। अच्छा, झारखंड की यूरेनियम की माइन आपको याद रखनी है जिसका नाम है जादूगोड़ा। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि जादूगोड़ा क्या है, तो जादूगोड़ा झारखंड में यूरेनियम की माइंस है, ठीक है ना। आज विकास जी सब गलत हो रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन आज मैंने थोड़े से टफ लिए हैं, ठीक है ना, इसलिए मतलब हैं बेसिक क्वेश्चंस लेकिन थोड़ा सा आप लोग इन प्रश्नों से दूर रहते हैं, है ना, इसलिए शायद थोड़ा सा दिक्कत बन रहा होगा। विनीत जी कह रहे हैं आंध्र प्रदेश, नदीम जी कह रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, आलोक जी कह रहे हैं ऑप्शन बी, बिल्कुल सही बात है, आंध्र प्रदेश। तो थुम्मनपल्ले माइन कहाँ पर हो जाएगी? आंध्र प्रदेश में हो जाएगी, और ऐसा माना जा रहा है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम की खान साबित हो सकती है, कडप्पा डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है, ठीक है। अगला, अगला क्वेश्चन बड़ा आसान है और ये टर्म आपने कई बार अभी कोविड के समय तो स्पेशली कई बार सुना होगा, ग्रीन कॉरिडोर। द टर्म ग्रीन कॉरिडोर समटाइम्स सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो ग्रीन कॉरिडोर शब्द है इसका संबंध किससे है? यूज ऑफ द लिक्विड मीथेन एज अ अल्टरनेटिव फ्यूल इन अ व्हीकल फॉर द मीडियम एंड द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। तो मध्यम और लंबी दूरी के परिवहन के लिए वाहनों में वैकल्पिक ईंधन के रूप में तरल मीथेन का उपयोग करना ग्रीन कॉरिडोर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड, यूज ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट फॉर द इको फ्रेंडली रोड कंस्ट्रक्शन। इको फ्रेंडली रोड कंस्ट्रक्शन करने के लिए प्लास्टिक का यूज करना ग्रीन कॉरिडोर कहलाता है। इजी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस फॉर द मेडिकल नेसेसिटी, चिकित्सा आवश्यकताओं के लिए आसान परिवहन सेवा उपलब्ध कराना ग्रीन कॉरिडोर कहलाता है। या फिर ट्रेड ऑफ द सिलेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स विदाउट टैक्सेस आर अदर ट्रेड बैरियर्स। बेटा ओमली डे जी, जादूगोड़ा जो है वो झारखंड में है और यूरेनियम की खदान है जादूगोड़ा, ठीक है, अभी न्यूज़ में भी थी क्योंकि जादूगोड़ा में जो ट्राइबल ग्रुप्स रहता था यूरेनियम के कारण जो है वो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग इन्फेक्टेड हो गए थे, क्योंकि यूरेनियम जो है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो जादूगोड़ा भी न्यूज़ में भी था, करेंट अफेयर्स का टॉपिक था। तो बिल्कुल सही आंसर बताएं इसका। अरे बेटा नितिन शर्मा जी का आंसर सही आया है, वेरी गुड नितिन, ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन कॉरिडोर। देखिए जैसे कि एम्बुलेंस निकालना है या मेडिकल सप्लाई निकालना है तो सरकार के द्वारा एक ऐसा ट्रैफिक फ्री जोन बनाया जाता है जिसको ग्रीन कॉरिडोर कहते हैं। तो जो हमारी मेडिकल सुविधाओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए हम ग्रीन कॉरिडोर शब्द का प्रयोग करते हैं। तो बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोविड के समय इस शब्द को तो हमने कई बार सुना है, ठीक है। नेक्स्ट, गोल्डन राइस is a variety of rice produced through the genetic engineering to the biosynthesis beta carotene. This genetically engineering rice variety can help to alleviate deficiency of. तो golden rice जो कि genome technology से develop की गई एक rice है जो कि beta carotene को synthesis करने का काम शरीर में करती है। ये किस vitamin की deficiency को हमारे शरीर में कम कर सकती है? Vitamin A, vitamin B, vitamin C या फिर vitamin D? मुझे लगता है ये साइंस और टेक्नोलॉजी का मिक्सचर है बेसिकली ये क्वेश्चन। और ज़रा सोचो बीटा कैरोटिन और किस विटामिन का रिलेशन है। जैसे कि मैं आप लोगों को मदद कर देती हूँ, आप लोग गाजर खाते हैं, गाजर में क्या होता है? गाजर में कैरोटिन होता है, ठीक है, आपने गाजर खाई और फिर हमारा लीवर जो होता है, हमारा लीवर इस कैरोटिन को विटामिन ए में कन्वर्ट कर देता है और आप बोलते हैं कि गाजर खाने से विटामिन ए मिलता है। जिस विटामिन ए का नाम क्या था आपका? रेटिनॉल था, जिससे नाइट ब्लाइंडनेस ना हो, रतौंधी ना हो। तो बिल्कुल आपने यहाँ से लिंक कर सकते हैं कि बीटा कैरोटीन का संबंध किससे हो जाएगा? विटामिन
मला जी कह रहे हैं यूपीपीएससी का क्वेश्चन है ये. अच्छा ये तो मेरे को नहीं पता. चलो विटामिन ए बिल्कुल सही आंसर है. चलिए अगला प्रश्न है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट शिपयार्ड ऑफ इंडिया. निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है जहाँ पर रख रखाव भी किया जाता है, मेंटेनेंस भी किया जाता है, शिप्स को प्रिपेयर करने का काम, उनको मेंटेन करने का काम भी किया जाता है, उनमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो उसको सुधारने का काम भी किया जाता है. तो सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन सा है? कोलकाता, विशाखापट्टनम, कोचीन या फिर मुंबई शिपयार्ड. चलो आंसर करेंगे. हाँ जी फटाफट आंसर करो इस प्रश्न का. काफ़ी सारे प्रश्नों को सॉल्व करना है आज. कमेंट पे ज़रूर बताइएगा प्रश्न कैसे हैं. अच्छे हैं ना, उम्दा क्वालिटी के हैं. चलो विशाखापट्टनम कह रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आ गया है. विशाखापट्टनम आंसर नहीं है बेटा. कोचीन पोर्ट सबसे बड़ा पोर्ट है ना, बिगेस्ट शिपयार्ड. शिपयार्ड का मतलब क्या होता है? जहाँ पे शिप्स को रखा जाता है, जहाँ पे शिप को खड़ा किया जाता है, उनका मेंटेन किया जाता है, उनको रखा जाता है, वो शिपयार्ड कहलाते हैं. तो कोचीन शिपयार्ड सबसे बड़ा शिपयार्ड है. ठीक है ना, तो देख लेते हैं इसको हम कि कोचीन शिपयार्ड जो है वो लार्जेस्ट शिप बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस फैसिलिटी है इंडिया में. इसको 1972 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपनाया गया था. ठीक है ना, इसमें 1.5 मिलियन टन तक के जहाजों का निर्माण किया जा सकता है और 1.25 मिलियन टन तक के जो जहाज है उनकी मरम्मत, मतलब उनका सुधार काम, उनका मेंटेनेंस किया जा सकता है. तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड जो है वो भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड लिमिटेड है. ठीक है चलो अगली बात कर लेते हैं बेटा. अगर पोर्ट पूछा जाता ना विशाखापट्टनम लिख देते. पोर्ट नहीं पूछा है यहाँ पे बेटा, यहाँ पे शिपयार्ड पूछा है. ठीक है ना, एक बार आप गूगल कर लेंगे. पर जहां तक मेरे नॉलेज में ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट है कि कोचीन शिपयार्ड जो है वो सबसे बड़ा शिपयार्ड है. नहीं बेटा, शिपयार्ड और पोर्ट्स थोड़ा सा डिफर करते हैं. सारे पोर्ट में शिपयार्ड्स नहीं हो, मतलब सारे पोर्ट्स जो होते हैं वहां पर जहाजों के मेंटेनेंस का काम नहीं किया जाता, या फिर सारे पोर्ट्स में आप जहाजों को कंस्ट्रक्शन नहीं करते. करते हैं क्या? बॉम्बे हाई में जहाजों को बनाने का काम करते हैं. नहीं, पोर्ट्स का काम क्या होता है? पोर्ट्स मतलब होते हैं बंदरगाह, जहाँ से आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं. और शिपयार्ड वो होते हैं जहाँ पे जहाज बनाए जाते हैं, उनको रखा जाता है, उनका मेंटेनेंस किया जाता है. ये बेसिक डिफरेंस पोर्ट और शिपयार्ड में होता है. ठीक है ना. चलो फिर है यहाँ पे कच्चाई लेमन. अ प्लांट प्रोटेक्टेड बाय द GI, मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, इज एंडेमिक टू विच स्टेट. अब GI पाया हुआ कच्चाई लेमन किस राज्य से संबंधित है? लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, ये बात आपको पता है. विटामिन सी भी मिल जाएगा. मणिपुर, असम, सिक्किम या फिर मिजोरम. चलिए नॉर्थ ईस्ट मणिपुर. उदय जी कह रहे हैं, मूलचंद जी कह रहे हैं असम, मलय जी कह रहे हैं ओके थैंक यू, मोस्ट वेलकम. बिल्कुल सही आंसर है मणिपुर. जो कच्चा लेमन आपका यहाँ पे GI इंडिकेशन वाला है, ये कहाँ पर है? मणिपुर में है. मणिपुर इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा. इकोनॉमी पर आधारित छोटा सा प्रश्न. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फर्स्ट 5-ईयर प्लान. प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित एक प्रश्न है कि पहला जो पंचवर्षीय प्लान था वो हारोड डोमर मॉडल पर आधारित था. इसी पंचवर्षीय प्रोग्राम के अंतर्गत कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई. द प्लान फोकस ऑन द फर्स्ट ग्रोथ थ्रू द इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब औद्योगिकरण पे पहली पंचवर्षीय योजना में ध्यान दिया गया. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 एंड 2, 3 ओनली, 2 एंड 3, 1 टू 3, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है. सोचो ये आपने पढ़ा होगा, बहुत आसान प्रश्न है और लॉजिक भी लगा सकते हो, है ना, लॉजिक भी लगा सकते हो. बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है. श्वेता सिंह का आंसर आ चुका है सबसे पहले. वेरी गुड श्वेता जी. आलोक सिंह, वेरी गुड वेरी गुड. ऑप्शन नंबर ए. हितेश यादव, वेरी गुड. देखिएगा ए बेटा, एक चीज़ बताओ, भारत एक कृषि प्रधान देश है. भारत में पहले आप खाने के लिए सुविधाओं को जोड़ोगे या फिर इंडस्ट्रीज लगाओगे? तो पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो कृषि पर आधारित थी, ना कि इंडस्ट्रीज पे आधारित थी. तो थर्ड वाला तो बिल्कुल गलत हो गया. अब 1952 में आपने सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की, बिल्कुल ये पंचवर्षीय योजना पहली जो थी उसका अंतर्गत आता है. और हरोड डोमर मॉडल भी जो है वो पहली पंचवर्षीय योजना से संबंधित है. मतलब पहला और दूसरा सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है. क्लियर है? चलो डी सही नहीं है बेटा, ए सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अभी जब से चाबहार पोर्ट न्यूज़ में आया है तब से ये वाली जो एग्रीमेंट है ये भी न्यूज़ में आ गई है. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री आर द मेंबर ऑफ द ऐश गबद एग्रीमेंट. अब ऐश गबद जो जगह है ये आपको तुर्किमिस्तान में देखने को मिलती है. बेसिकली साउथ एशिया के साथ भारत के साथ कम्युनिकेट करने के लिए रेलवे रोड शिप ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए ये ऐशकबाद एग्रीमेंट साइन किया गया था. अब आपको बताना इस समझौते में कौन मेंबर नहीं है, इंडिया, पाकिस्तान, ओमान या फिर सऊदी अरेबिया. कौन सा मेंबर है? 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. बिल्कुल ओमली डे जी, जो सेकेंड नंबर का पंचवर्षीय योजना आया था उसमें इंडस्ट्रीज पे फोकस किया था और पहले वाले में हमने फोकस किया था कृषि पे, एग्रीकल्चर पे. वेरी गुड. सुधीर जी कह रहे हैं इंडिया. इंडिया तो 2018 में मेंबर बन गया था सुधीर कुमार जी, क्योंकि आपका उद्देश्य है कि इंडिया और साउथ एशिया के बीच में कैसे आप ट्रेड को बढ़ावा दे सकते हो, कैसे रेलवे ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, शिप ट्रांसपोर्ट को, वाटर ट्रांसपोर्ट को आप बढ़ावा दे सकते हो साउथ इंडिया के साथ, उसी से संबंधित ऐशकबाद एग्रीमेंट है. अच्छा, पाकिस्तान नहीं होना चाहिए. चलो देख लेते हैं पहले इमेज. देखिए ऐशकबाद एग्रीमेंट जो है एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट है जिसके अंतर्गत आप क्या करने वाले हो, साउथ एशिया के साथ कम्युनिकेट करने वाले हो थ्रू रोड या फिर रेल या फिर शिप. अब भारत 2018 में इसका सदस्य बन गया था जैसा कि मैंने आपको बताया. अब ये जो है यहाँ पर बेसिकली ओमान, ईरान, तुर्किमिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और पाकिस्तान शामिल है. अब अगर हम मैप में इसको समझें तो ये है बेसिकली वो प्रोजेक्ट. ये साउथ इंडिया के साथ, साउथ एशिया के साथ आप पूरा इस तरीके से कम्युनिकेट कर सको. तो भारत भी हिस्सा है, आपने कहा कि पाकिस्तान, तो पाकिस्तान भी है, तुर्किमिस्तान भी है, ओमान भी है, लेकिन सऊदी अरब का नाम नहीं आया. ये है पूरा, है ना, ये पूरा आपको जो दिख रहा है एग्रीमेंट, इस तरीके से पूरा व्यापार करने के लिए इसे चलाने की बात की जा रही है. नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के नाम से भी इसको जाना जाता है. नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है. तो अगर आपसे पूछा जाए ऐशकबाद जो आपका एग्रीमेंट है इसका संबंध किससे है, तो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से इसका संबंध है. कौन कौन सी कंट्री है? ओमान, ईरान, तुर्किमिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान और भारत. लेकिन सऊदी अरब का नाम नहीं आया. तो सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे? ऑप्शन ये जो फोर्थ है ये नहीं है, मतलब 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, बिल्कुल रवि कुमार जी, सऊदी अरब शामिल नहीं है. क्लियर हो गया. चलो अगली बात कर लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज स्प्रेड ओवर ओनली वन स्टेट इन इंडिया. इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला जो केवल और केवल एक ही राज्य में है? अजंता, सतपुरा, सहद्री या फिर अरावली. बहुत ही आसान प्रश्न. एक बार इसका आंसर करेंगे और लिंक को शेयर भी कर देंगे. अच्छा ठीक है सुधीर कुमार जी, देखते हैं, बात करते हैं. चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे. तो देखिए कि सतपुरा रेंज आपको नर्मदा नदी यहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश में भी है और छत्तीसगढ़ में भी फैली हुई है. सहद्री, तो आपके वेस्टर्न घाट को आप सहद्री कहते हो, तो बेसिकली जो सहद्री है वो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका सब में फैली हुई है. अरावली राजस्थान से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है. लेकिन अजंता जो है महाराष्ट्र में, वो केवल और केवल औरंगाबाद में फैली हुई है. तो केवल और केवल महाराष्ट्र में है अजंता केव, जो केवल और केवल एक ही राज्य में. तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. बेटा अरावली कैसे कर दिया आंसर विकास जी? अरावली दिल्ली में आपका जो रायसीना हिल है वो अरावली पे है और अरावली रेंज राजस्थान से शुरू हो जाती है. तो अरावली आंसर नहीं है, अजंता बिल्कुल सही आंसर है, औरंगाबाद में है. अजंता और एलोरा की गुफाएं आपने सुनी है ना, तो वही महाराष्ट्र में स्थित है. ठीक है, अगला है, महात्मा गांधी ने कौन से हिल स्टेशन को स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया से कंपेयर किया? चलिए आंसर करेंगे, उत्तराखंड का ये आपका हिल स्टेशन है जिसको महात्मा गांधी ने स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहा है. आंसर बैरंग, चकोरी, कुसानी या रानीखेत. आदर्श सिंह जी मैं बिल्कुल रोज रोज पढ़ाती हूँ, 1:30 PM डेली हमारी क्लास 1:30 PM होती है. PDF के लिए परेशान नहीं होना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से PDF को डाउनलोड कर लेना. ठीक है, चलो आंसर कर दो. और जो भी डाउट रह जाए तो @GS Mahindra Life हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ पर जुड़कर डाउट पुट कर सकते हैं. तो बिल्कुल जो कौसानी जगह है हमारी उत्तराखंड में, इसको महात्मा गांधी ने स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया के नाम से संबोधित किया था. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगला है, US मिशनरीज जॉन एलन चाउ डाइड ड्यूरिंग द विजिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड ऑफ इंडिया.
यूएस मिशनरी या यूएस के एक व्यक्ति थे जॉन एलन चाउ, जो कि भारत में किसी आइलैंड पे गए थे और वहाँ की जनजातियों के द्वारा, वहाँ की ट्राइब्स के द्वारा इनको मार डाला गया। तो वो आइलैंड कौन सा है? नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, साउथ सेंटिनल आइलैंड, बेटिमाल्व आइलैंड, रूटलैंड आइलैंड। तो बेसिकली मैं थोड़ी सी मदद कर देती हूँ, जो सेंटिनल जनजाति हैं, सेंटिनल जनजाति के लोगों के द्वारा इन पे हमला किया गया था और इनको मार दिया गया था, तो काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय था ये। इसके अलावा अंडमान निकोबार में आपको सेंटिनल के अलावा जारवा और सैम्पिन याद रह जाएगा ना, शैम्पिन याद रखना तो आसान है। जारवा, शैम्पिन और सेंटिनल ट्राइब्स जो हैं वो अंडमान एंड निकोबार में पाई जाती हैं। तो किस आइलैंड में ये जॉन एलन चाउ गए थे जहाँ पर इन्हें मार दिया गया? आंसर, साउथ सेंटिनल। आदर्श कह रहे हैं नॉर्थ सेंटिनल। सेंटिनल है, ए और बी में से है, तो बिल्कुल सही आंसर है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड जो है उसमें इन्हें मार दिया गया था सेंटिनल जनजाति के द्वारा। अगला है, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल मैंग्रोव कवर ऑफ द वर्ल्ड इज फाउंड इन द इंडिया? विश्व में कुल मैंग्रोव आवरण का कितना प्रतिशत भाग भारत में पाया जाता है? अगर मैं बात करूँ पूरे वर्ल्ड का 42%, पूरे वर्ल्ड का 42% जो मैंग्रोव वनस्पतियाँ हैं वो एशिया में पाई जाती हैं। अब आपको बताना है कि भारत में इसका कितना हिस्सा है, 1.3, 2.1, 3.3 या फिर 5.1, ठीक है ना। दलदली ज़मीन जहाँ पे मैंग्रोव वेजिटेशन होता है, डेल्टास का निर्माण होता है और जहाँ पर पीट मृदा पाई जाती है वो मैंग्रोव कवर कहलाते हैं। चलो आंसर कर दो, इस प्रश्न का आंसर कर देंगे। ये भी तुक्का एकदम चल रहा है, विनीत जी कह रहे हैं 2.1 है, अच्छा 1.3, अच्छा आदर्श जी की पहली क्लास है, ओके सही आंसर है 3.3%। तो भारत में टोटल मैनग्रोव का कितना परसेंट है? 3.3% है। अगर 3.3 में से अगर पॉइंट हटा दो तो 33% अगर हम इसको देखें, तो हमारी जो फॉरेस्ट पॉलिसी कहती है, जो हमारी वन नीति कहती है कि भारत में हर राज्य को और पूरे भारत को टोटल फॉरेस्ट रिजर्व का 33% रखना पड़ेगा। मतलब हमारे राज्य में फॉरेस्ट रिजर्व कितना होना चाहिए? 33% होना चाहिए, ये हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी कहती है। अभी तक ये टारगेट कोई भी स्टेट अचीव नहीं कर पाया है। सबसे ज़्यादा जो है फॉरेस्ट रिजर्व वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, आंसर यहाँ नहीं देंगे, आंसर कहाँ देंगे? कमेंट सेक्शन में। जिनका आंसर सही होगा उनके नाम हम अपनी प्रेजेंटेशन में शामिल कर लेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नाथुला पास, नाथुला दर्रा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट चाहिए? दर्रों से रिलेटेड, हिमालय से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, ट्रिक भी बता चुकी हूँ, तो आप उसे एक बार देख लेंगे। इट लिंक सिक्किम विथ तिब्बत, सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। मैंने आपको यहाँ पर ट्रिक बताई थी, जैन जैलेप्ला और नाथुला ये दोनों पासेस कहाँ पर थे? सिक्किम में है, और जैलेप्ला से आपका संबंध तीस्ता नदी से है, ये भी मैंने आपको सिखाया था। चलो अगला है, इट वॉज द मेन आर्ट्री ऑफ द एंशियंट सिल्क रूट, रेशम मार्ग की ये मुख्य भूमि या फिर मुख्य नस हुआ करती थी। इट वॉज रीओपन इन द ईयर 2006, इसे 2006 में फिर से खोला गया। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम कोड गिवन बिलो, वन ओनली, वन एंड टू, टू एंड थ्री, वन टू एंड थ्री। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, याद आ गई ना ट्रिक, मैंने इस ट्रिक के जरिए बताया था, मैंने लास्ट क्लास में ट्रिक के जरिए आपको हिमालय में उपस्थित सभी दर्रों के बारे में बताया था, पासिस के बारे में, याद आया। अच्छा मैं एक बात बोलती हूँ कि मैं मुंबई से निकली पुणे जाने के लिए और भोर में पुणे पहुँच गई, तो ये कौन सा दर्रे की बात कर रही हूँ मैं, कौन से घाट की बात कर रही हूँ मैं, कोई बताएगा? मुंबई से पुणे हम भोर में पहुँच गए, भोर मतलब होती है सुबह, तो हम मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम भोर घाट के बारे में बात कर रहे हैं, और भोर घाट जो है वो मुंबई को पुणे से जोड़ रहा है। इस तरीके से ट्रिक के जरिए मैंने सारी चीज़ें याद करवाई थी, एक बार पुराना वीडियो देख लेंगे। जो भी आंसर है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, हम कल फिर मिलेंगे 1:30 PM पर, ठीक है। इसके बाद जयश्री मैडम की जो है वो रीजनिंग की क्लासेज है, तो आप इसे कंटिन्यू करिएगा। थैंक यू।